फ्रेंड्स, इजी ब्यूटी रेमेडीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो नुस्खा लेकर आई हूँ, इस नुस्खे के जरिए आप अपनी आईब्रोज को आसानी से घना बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी आईब्रोज घने हैं और काली है तो फ्रेंड्स आपको बिना किसी मेकअप के या फिर बिना किसी पेंसिल के अपनी आईब्रोज को आप आसानी से सुंदर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारी आईब्रोज घनी होती है तो फ्रेंड्स हमारे चेहरे के लुक जैसे काफी अच्छे आते हैं, हम काफी अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं और साथ ही साथ अगर हम सांवले भी हैं तो भी हम जो अपनी आईब्रोज के जरिए काफी सुंदर दिखाई देते हैं। और फ्रेंड्स, अगर हमारी आईब्रोज घनी है तो हम बिना किसी ब्यूटी प्रोडक्ट के या फिर बिना पेंसिल के भी अपनी आईब्रोज को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर हमारी आईब्रोज घनी है तो अगर हम बिना मेकअप के भी हैं तो भी हमारे चेहरे के लुक्स जो वो काफी अच्छी दिखाई देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये नुस्खा। इस नुस्खे को बनाने के लिए यहाँ पे फ्रेंड्स आपको यूज करना होगा प्याज के रस का। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने प्याज के कद्दूकस करके उसका रस निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको प्याज का रस निकाल लेना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स सेकंड चीज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो है फ्रेंड्स कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल। यहाँ पे फ्रेंड्स इस रेमेडीज का आपको बनाना कैसे है, यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे प्याज का रस इसमें डालना होगा एक चम्मच। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने एक चम्मच इसमें प्याज का रस ऐड कर लिया है। प्याज का रस फ्रेंड्स हमारे आईब्रोज को तेजी से घना बनाते हैं। ये प्याज के रस से हमारी आईब्रोज की ग्रोथ जो तेजी से बढ़ती है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर हम इसकी मसाज अपने आईब्रोज पर करते हैं तो ये हमारे आईब्रोज की यानी कि हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर हमारी आईब्रोज को तेजी से घना कर देती है। अब हम इसमें फ्रेंड्स डालेंगे नारियल का तेल। नारियल के तेल में फ्रेंड्स विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है और साथ ही साथ ये भी हमारे बॉडीज का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है जिसके कारण हमारे बालों की ग्रोथ जो बहुत तेजी से होती है। तो फ्रेंड्स हमें इसमें एक चम्मच नारियल का तेल जो है ऐड करना होगा। मैंने फ्रेंड्स इसमें एक चम्मच जो नारियल का तेल ऐड कर लिया है। अब आपको इसको अपने आईब्रोज के ऊपर किस तरह से लगाना है इसके लिए आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स अब हम इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा ये पेस्ट जो है अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब आपको फ्रेंड्स एक साफ कॉटन लेना होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने कॉटन ले लिया है। आपको फ्रेंड्स इस कॉटन को अपने आईब्रोज के ऊपर लगाना होगा यानी कि आप इसमें पहले इस पेस्ट में इसको इस तरह से डीप कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसे अपने आईब्रोज के ऊपर लगा लीजिएगा। आपको फ्रेंड्स इस नुस्खे को रात को सोने से पहले जो अपने आईब्रोज के ऊपर लगाना होगा। लगाने के बाद आप फ्रेंड्स इस कॉटन से 2 मिनट के लिए अपने आईब्रोज पर अच्छे से लगा लीजिएगा। उसके बाद आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। रात भर आप इसे अपने आईब्रोज पर लगा रहने दीजिएगा। सुबह उठ के फ्रेंड्स आप अपने चेहरे को वॉश कर लीजिएगा यानी कि अपने चेहरे को आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिएगा। आप इस नुस्खे को फ्रेंड्स डेली यूज कीजिए और एक ही वीक में आपकी आईब्रोज जो बहुत तेजी से घनी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था आज का मेरा वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के जरिए कुछ जानना या पूछना चाहते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।